सियासत के चाणक्य यानी शरद पवार ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन इस बार उद्धव सरकार के सामने खड़ा संकट बहुत बड़ा है, क्योंकि बागी नेता एकनाथ शिंदे का होमवर्क बहुत जबरदस्त है। 42 विधायकों के साथ वो गुवाहाटी में मौजूद हैं। अगर एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस मिलकर सरकार बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, तो शिंदे पूरे दमखम के साथ उद्धव सरकार को गिराने में लगे हुए हैं। सीन नंबर एक, गुवाहाटी में 42 का दम। सीन नंबर दो, मुंबई में शिवसेना तैयार। सीन नंबर तीन, आधी रात मातोश्री वापसी। सीन नंबर चार, टीम बीजेपी का मौन। एकनाथ शिंदे आज उद्धव ठाकरे के संकटनाथ क्यों बन गए? महाराष्ट्र के सियासी पर्दे पर नजर आ रहे चार सीन से आप समझ सकते हैं। एक एक सीन के पीछे जबरदस्त स्क्रिप्ट है। सियासी फिल्म के चार सीन है और चार सीन से जुड़े चार बड़े कैरेक्टर। कैरेक्टर नंबर एक, एकनाथ शिंदे। सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले ले जाना चाहते हैं। कैरेक्टर नंबर दो, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे, आणि ह्याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाल्यानंतर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वर्षावरनं मातोश्रीला हलवत आहे। कॅरेक्टर नंबर तीन, देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में जब तक मोदी जी के साथ चलने वाली लोकाभिमुख सरकार हम नहीं लाते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कॅरेक्टर नंबर चार, शरद पवार। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में वहाँ जो गवर्नमेंट चल रही है इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें व्यक्ति नहीं। 21 जून की आधी रात महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आया। उस तूफान में आगे क्या होगा इसकी भविष्यवाणी गुवाहाटी से आए इस वीडियो ने कर दी। बुधवार को उद्धव ठाकरे ने 17 मिनट 32 सेकंड के संबोधन में बिना नाम लिए शिंदे पर हमला बोला, तो बुधवार को इस तस्वीरों के साथ एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने एक दो नहीं बल्कि 42 विधायकों के साथ वीडियो जारी किया, यानी शक्ति प्रदर्शन के जरिए सीधा संदेश दिया कि शिवसेना के असली नेता वही है। अब पार्टी एमएलए का भरोसा उद्धव ठाकरे खो चुके हैं। सरल शब्दों में समझे तो शिवसेना अब टूट गई, यानी बिखर गई। इसे लेकर एकनाथ शिंदे ने दो बड़े दावे किए। दावा नंबर एक, सरकार और शिवसेना दोनों से हाथ धोएंगे उद्धव ठाकरे। दावा नंबर दो, 55 विधायकों में सिर्फ 13 विधायक उद्धव खेमे में बचेंगे। गुवाहाटी से अनुपम मिश्रा, मुंबई से मौसमी सिंह और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र की सियासत में बदलते समीकरण को समझने में बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित का माथा घूमा हुआ है। वजह है सियासी अखाड़े में आपस में भिड़ रहे बड़े बड़े खिलाड़ी। अगर एक तरफ शिंदे हैं तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और शरद पवार। मुंबई से दूर गुवाहाटी का होटल महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सत्ता प्रतिष्ठान को हिला दिया है। बाला साहेब के जमाने में दहाड़ने वाली शिवसेना आज बेबस नजर आ रही है। लोक म्हणत असतील की ते ठीक आहे, त्यांना हवे असतील पण आम्हाला तुम्ही नको। मग मला हेच म्हणायचंय की समजा माझ्या लोकांना, म्हणजे मी माझं म्हणतोय ते मला आता माझं आपलं मानतात की नाही मला माहिती नाही, कारण ते माझ्यासमोर नाही आहेत, तर तुम्ही इथे येऊन बोलायला काय हरकत होती? सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखीन कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सरळ समोर यायचं आणि सांगायचं की उद्धवजी तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात, हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्रीपदी नको, ठीक आहे चला मी उठतो। आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो, जर त्याच्यापैकी एकाही आमदाराने समोर येऊन मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे,
आणि ह्याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाल्यानंतर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वर्षावरनं मातोश्रीला हलवत आहे. मौजूद है और सभी लोग जो है हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं. बाला साहब के पसीने से खड़ी पार्टी से कई नेता बिछड़े लेकिन दशकों से महाराष्ट्र में शिवसेना की सियासी चमक और धमक कभी फीकी नहीं पड़ी. लेकिन वक्त का पहिया घूमा और 21 जून 2022 से शिवसेना में वो हुआ जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था. कयास यही लगाए जाते थे कि कांग्रेस या एनसीपी में टूट हो सकती है लेकिन हुआ उल्टा. यानी ये बात समझ से परे थी कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के अंदर से ही नेतृत्व परिवर्तन की इतनी बुलंद आवाज उठ सकती है. दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला सबसे बड़ी बगावत का ऐलान हो सकता है. शिंदे की बगावत पर अब रनिंग कमेंट्री शुरू है. हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं कुछ एमएलए हमसे छोड़कर हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया ऐसा नहीं होता. पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है. पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती है. किस हालात में किस दबाव में किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा. उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए. मैं उसको बंडखोर नहीं मानता हूँ. जैसे आप कहते बेईमानी है. हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक है मैं आपको बताता हूँ और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा. आपने मेरे चेहरे पर देखा है कोई तनाव है कोई शिकंज है कुछ नहीं है. इस प्रकार की जो संकट है प्रसंग है तूफान है उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है. हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है. उद्धव जी के साथ काम किया है. सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है. जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता. हम है हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है. हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है. उसने पार्टी नहीं छोड़ी. मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का. हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे. क्या आपको लगता है कि इस दबाव की वजह से फ्लोर टेस्ट पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी. एनसीपी के कुछ कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है सबको पता चलेगा. घर में सबसे बड़ी सेंध लगाकर पार्टी के ही दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे ने सीधे सीधे पार्टी के मुखिया और बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे को चुनौती दे डाली. इतनी बड़ी चुनौती कि सत्ता का सिंहासन ही नहीं डोला बल्कि शिवसेना के भविष्य पर संकट के बादल छा गए. उद्धव ने इस्तीफा तो नहीं दिया लेकिन सरकारी आवास छोड़कर आधी रात मातोश्री में शिफ्ट हो गए. ठीक है अमल तुम्ही नको मग मला हेच म्हणायचंय की समजा माझ्या लोकांना म्हणजे मी माझं म्हणतोय ते मला आता माझं आपलं मानतात की नाही मला माहिती नाही कारण ते माझ्या समोर नाहीये. तर तुम्ही इथे येऊन बोलायला काय हरकत होती? सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा आणखीन कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सरळ समोर यायचं आणि सांगायचं की उद्धवजी तुम्ही कारभार करायला नालायक आहे आहात हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्रीपदी नको. ठीक आहे चला मी उठतो. आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो जर त्याच्यापैकी एकाही आमदाराने समोर येऊन मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे आणि ह्याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाल्यानंतर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वर्षावरनं मातोश्रीला हलवत आहे. 55 वर्षो के इतिहास में जो काम कोई और बागी नेता नहीं कर पाया वही काम ठाणे के ठाकरे नाम से मशहूर एकनाथ शिंदे ने कर दिया. उद्धव ठाकरे के पैरों तले से सियासी जमीन खिसक गई क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 3 दर्जन पार्टी के विधायकों ने विरोध का झंडा उठा लिया एकनाथ शिंदे की अगुवाई में. बगावत इतनी बड़ी है कि टीम उद्धव की मीटिंग में सिर्फ 13 MLA पहुंचे थे. बागियों का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है यही उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा सिरदर्द है. लेकिन क्या इमोशनल संबोधन और संजय राउत के महाअघाड़ी सरकार से हटने की पेशकश से बाजी पलट सकती है? दूसरी बात है अगर वो चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी से हमको बाहर जाना है तो ये बहाना है
ये बात आप हमारे सामने आकर भी कह सकते हो। यहाँ से भागकर किसी स्टेट में जाते हो, बीजेपी आपका कब्जा लेती है, ईडी सीबीआई का डराकर धमकाकर आपके ऊपर बंदूकें लगाकर हमारे खिलाफ लेटर लिखवाती है। ये जो है उसे शिवसेना न झुकने वाली है न डरने वाली। वैसे संजय राउत ने बीते दिनों चार बड़े बयान दिए। बयान नंबर एक, शिंदे वापस लौट आएंगे। बयान नंबर दो, शिवसेना के एमएलए साथ हैं। बयान नंबर तीन, फ्लोर टेस्ट में सच पता चलेगा। बयान नंबर चार, शिंदे मुंबई आकर बोले तो गठबंधन से हट जाएंगे। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल में कई संभावनाएं दिख रही हैं। संभावना नंबर एक, शिंदे के दबाव में शिवसेना महाअघाड़ी गठबंधन छोड़ दे। संभावना नंबर दो, शिंदे गुट बीजेपी को समर्थन दे और फडणवीस की सरकार बने। संभावना नंबर तीन, शिंदे मुख्यमंत्री बने और महाविकास अघाड़ी की सरकार चलती रहे। संभावना नंबर चार, अगर सब अड़े रहे तो विधानसभा में सरकार के भविष्य का फैसला होगा। संभावना नंबर पांच, शिवसेना में टूट हुई तो पार्टी पर कब्जे की कानूनी लड़ाई शुरू होगी। यानी महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर का ट्रेलर अभी रिलीज हुआ है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। गुवाहाटी से अनुपम मिश्रा, मुंबई से मौसमी सिंह और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।